पर आपको बता दें नारनौल से जहां पर दो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं दोनों और दोनों कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। दोनों को क्वारंटाइन भी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं नारनौल से। घर पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग ने ये सूचना दी है। दोनों मरीजों को नारनौल के स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई है। नारनौल में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, दोनों रेलवे पुलिस में कार्यरत है। पहले दो पॉजिटिव मामले आज सामने आए। जो मामले पॉजिटिव सामने आए हैं उनकी बताया जा रहा है कि वो जो दो लोग हैं वो दिल्ली रेलवे पुलिस में कार्यरत थे, रेलवे के अंदर कार्यरत थे और 5 तारीख को वो वहाँ से चलकर नारनौल आए थे और आने से पहले उन्होंने वहाँ पर अपना टेस्ट करवाया था। टेस्ट करवाने के बाद जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें खुद सूचना जो है फ़ोन के थ्रू दी जाती है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद के अंदर जो व्यक्ति खुद अपने आप को कोरोना पॉजिटिव जिन्हें सूचना दी गई वे स्वास्थ्य विभाग को फ़ोन कर इतला देते हैं कि हमारी जो है रिपोर्ट आई है और उसमें हमें कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को खुद वहां जाने की बजाय वो लोग खुद यहां हॉस्पिटल में चलकर जो है आए, खुद की गाड़ी से आए। फिलहाल उन्हें जो है यहाँ के आइसोलेशन सेंटर में जो है रख दिया गया है और जो एक बंदा और उनके साथ था फिलहाल उसको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, ऐसा कहना यहाँ के CMO का है। अभी जो बाकी की स्थिति है वो सारी की सारी जांच के बाद स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है टीम, अस्पताल की टीम यहाँ पर काम करेगी। काम करने के उपरांत ये देखा जाएगा कि उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी, वो लोग किस किस के संपर्क में आए और किसके संपर्क में नहीं आए। जिस एरिया में वो रह रहे थे वो एरिया भी नारनौल के हुड्डा स्थित हाउसिंग बोर्ड का बताया जा रहा है कि हुड्डा में जो हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पर उस एरिया में वो एक रह रहे थे, एक मकान था जिसमें वो तीन लोग अकेले रह रहे थे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी सजगता दिखाता है और इन दो पॉजिटिव आने से क्या स्थिति जो है जिले में बरकरार दो की ही रहेगी या और केसेस बनने की चांसेस बन रहे हैं। जैसा कि वो अगर किसी के संपर्क में आए हैं तो यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ना स्वाभाविक है, जो जिले के लिए एक अच्छी बात नहीं है। जो जिला अभी तक ग्रीन जोन में चल रहा था वो अब सस्पेक्टेड जोन शुरू हो गया है, ऑरेंज जोन जिसे हम कह सकते हैं कि ऑरेंज जोन की एक शुरुआत हो चुकी है और शहरवासियों के लिए भी अभी संभलने की बात है, क्योंकि एक छूट जो है प्रशासन के द्वारा यह भी दी गई थी कि शहर के अंदर बाजार खुले, तो अगर ऐसे कोई लोग बाजार में किसी के संपर्क में आते हैं तो यह फैलना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दिल्ली प्रशासन के ऊपर भी कि दिल्ली प्रशासन ने जब उनका कोरोना टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद उन्हें यहाँ तक आने क्यों दिया गया जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। और साथ ही जो जिला प्रशासन है वो भी दिल्ली सरकार से बात करेगा और बात करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट करेगा कि आखिर दिल्ली सरकार ने उन्हें आने की यहाँ परमिशन क्यों दी। और वही बात हम जिले की अगर चौकसी की करें तो जिले की चौकसी के लिए चारों तरफ जो है पहरे लगा रखे हैं, नाकाबंदी कर रखी है। नाकाबंदी के बाद ऐसे लोग जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग जिले में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे करें, ये एक अपने आप में सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जो जिले की सुरक्षा जिसके लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई गई थी, जिसके लिए कर्मचारियों की जिम्मेवारी लगाई गई थी, वो भी आज सवालों के घेरे में कि बाहर ड्यूटी करने वाले लोग और वो भी ऐसे एरिया में जो सस्पेक्टेड हैं उनको जिले में प्रवेश कैसे करने दिया गया। नारनौल से कैमरा पर्सन प्रवीण लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। मनोज गोस्वामी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो दोनों रेलवे पुलिस में कार्यरत है लोग और खुद से टेस्ट करवाने के लिए आए, अब इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन जिन जिन के संपर्क में ये आए हैं क्या उनकी भी जांच की जा रही है? अभी जो है काजल यहाँ पर पूरा जो है जिला प्रशासन पहुंच चुका है जहाँ पर ये लोग ठहरे थे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर। जिले की जो पुलिस अधीक्षक है वो और सुपरिटेंडेंट यहाँ के जो DSP हैं वो, साथ ही जो है अस्पताल की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है और लगातार ये जो है जांच की जा रही है कि वो लोग किस किस के संपर्क में आए। उस एरिया को सील किया जा रहा है जहाँ वो लोग आकर रुके थे। ये एरिया नारनौल के हुड्डा स्थित हाउसिंग बोर्ड का बताया जा रहा है और वहाँ पर जो है लगातार जिला प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम इस जानकारी के लिए।